अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज एमडी अफरोज, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉलम है 9 इंचेस × 24 इंचेस, यहाँ पे 2 फीट यहाँ पे इसका साइज़ है, एरिया है। यहाँ पे डिटेल्स बताऊँगा कॉलम्स के, यहाँ पे जो रॉड्स दिए हैं और जो ओवरलैपिंग दिए हैं, कितना ओवरलैपिंग देना चाहिए और कहाँ तक देना चाहिए। जैसा कि 16 mm का बार यहाँ पे यूज़ किए हैं और 12 mm का यूज़ किए हैं कॉलम में। और जैसा कि स्टेप्स, सॉरी, जैसा यहाँ पे जो टाइस और रिंग बोल सकते हैं, यहाँ पे 8 mm का यहाँ पे दिया गया है। कितना यहाँ पे स्पेसिंग दिया गया है, गैप्स दिया गया है, और यहाँ पे जो मिस्टिक्स हुए हैं इस वीडियो में बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे। जैसा कि हमारी जो वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो पूरी मुकम्मल और कम्प्लीट वीडियो हमारी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हमारे यूट्यूब का चैनल नेम है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। फ्रेंड्स एंड एवरीवन, वेलकम टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, जैसा कि हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वर्कर्स बताऊंगा, जैसा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाइंडिंग वायर से, जैसा कि स्टिरप्स हैं यहाँ पे सेट कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे जो स्पेसिंग दिया है, जैसा कि ये एक टाइस और रिंग बोल सकते हैं इसको, ये 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिए हैं। और जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं इसका प्लेटफॉर्म किस तरह से यहाँ पे बनाया है। जैसा कि यहाँ पे ये जो रॉड्स देख सकते हैं, जैसा कि चेयर्स बोल सकते हैं इसको, जैसा कि हम स्लैब में जब डबल मेश होता है चेयर्स डालते हैं, उसी टाइप में यहाँ पे इसको रॉड को बेंड करके यहाँ पे इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया है। ऊपर यहाँ पे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 mm के जैसे कि बार्स हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे, ये यहाँ पे जो सेट कर रहे हैं यहाँ कॉर्नर पे आप देख सकते हैं 4 बार यहाँ पे लिए हैं 16 mm के एट द कॉर्नर, एंड सेंटर पे 12 mm के यहाँ पे 4 बार लिए हैं। और इसका साइज़ 9 इंचेस × सो दोस्तों यहाँ इसका जो साइज़ है 9 इंचेस × 18 इंचेस का, यहाँ पे ये कॉलम आफ्टर कंक्रीटिंग करने के बाद आपको ये साइज़ मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे, मैं आपको ओवरलैपिंग यहाँ पे किस तरह से किया गया है बताता हूँ इस वीडियो पे, बने रहिए इस वीडियो पे। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एक जर्नली जो मिस्टेक्स हुआ है ओवरलैपिंग में, कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है वो बताता हूँ इस वीडियो पे। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ओल्ड एग्जिस्टिंग वाला, पिछले वाला जो स्लैब में से हुआ है, जो यहाँ पे स्लैब में से होके, जैसा कि यहाँ पे छत पड़ा है, छत में से जो पुराना वाला है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, उसको ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कितना देना चाहिए 16 mm के लिए? 0.8 मीटर देना चाहिए। 0.8 मीटर मीन्स 2.5 फीट देना चाहिए, 30 इंचेस। ज़्यादा भी रहेगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मगर मिनिमम 2.5 फीट के ऊपर 16 mm का जो बार होता है रेनफोर्समेंट, वो ओवरलैपिंग होना चाहिए। और जो 12 mm का जो होता है वो होना चाहिए 2 फीट, मीन्स 24 इंचेस ओवरलैपिंग होना चाहिए। जैसा कि मेन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरलैप हो रहा है, मीन्स पुराना वाला जो बार है नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टर रेडी किया गया है। और यहाँ पे जैसा कि, सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप स्टार्टर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंचेस यहाँ पे इसका थिकनेस है, मीन्स हाइट है यहाँ पे 3 इंचेस। और यहाँ पे जैसा कि ओल्ड वाला यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट देख सकते हैं कॉलम का यहाँ पे, उसको यहाँ पे नया वाला जो हम नेक्स्ट फ्लोर के लिए, जो नेक्स्ट फ्लोर की जो रेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं पीछे से बताता हूँ, नेक्स्ट फ्लोर के लिए जो हम रेस कर रहे हैं, मीन्स ऊपर उठा रहे हैं, राइज कर रहे हैं, उसको यहाँ पे कितना ओवरलैप हो रहा है, बने रहिए इस वीडियो पे। सो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस वाला है यहाँ पे, प्रीवियस वाला जो ओल्ड यहाँ पे जो रॉड है और उसके साथ में जो सरिया रेनफोर्समेंट है, नया वाला यहाँ पे 2 फीट हो रहा है दोस्तों, 2 फीट यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 इंचेस और 2 फीट 24 इंचेस यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इसको, जैसा कि डिज़ाइन इंजीनियर इसको यहाँ पे देंगे, जैसा कि जो प्रोजेक्ट है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इसको अगर प्रैक्टिकली हम जो लेते हैं 50D लेते हैं, 50D मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको 30 इंचेस, मीन्स यहाँ तक अपने को ओवरलैपिंग होना चाहिए, यहाँ तक 16 mm के बार के लिए यहाँ तक होना चाहिए। और इससे ग्रेटर आप बढ़ के भी देंगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसा कि यहाँ पे जो, और एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो पे, बने रहिए दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे एक हो रहा है और वहाँ पे एक हो रहा है। जितना, जैसा कि स्पेशली जो कॉर्नर्स के जो बार होते हैं, मिनिमम वहाँ पे हम उसको जॉगल देंगे तो बेटर रहेगा। जैसा कि यहाँ पे
कंक्रीटिंग के लिए यहाँ पे शटरिंग आएगा, मींस वहाँ पे शीट आएगा कंक्रीटिंग के लिए। और एक बात, जो हम जॉगल देते हैं वो क्यों देते हैं मैं इस वीडियो में बताता हूँ। जो बार्स होता है, जो रेनफोर्समेंट होते हैं, वो सेफली ट्रांसफ़र होगा लोड। मींस जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि सरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप सरिया देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम जॉगल देंगे, यहाँ पे जॉगल देंगे मींस क्रॉस करके बेंड होके आएगा, यहाँ से इस तरह से बेंड करके आया। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जॉगल होता है। तो यहाँ पे हम जॉगल देंगे तो वो लोड जो होगा वो सेफली ट्रांसफ़र होगा, मींस अच्छे से ये बार से, ये बार का जो लोड रहेगा वो पुराने वाले बार पे आएगा, मींस उसके ऊपर आके नीचे लैंड को जाएगा, लैंड मींस सॉइल में जाएगा। तो जॉगल देंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे जो बिग मिस्टिक्स है, यहाँ पे जॉगल प्रोवाइड करना चाहिए। और एक जहाँ पे भी ओवरलैपिंग होता है, मींस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 3+3 6 6 7 8 10 यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे 16 mm के यहाँ पे 3 बार यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे 3 बार टोटल, यहाँ पे कॉर्नर पे 6 बार हो गए। सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 2, तो टोटल यहाँ पे जो बार्स है 10 बार्स है। जहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग करते हैं वहाँ पे जो हम स्पेसिंग देते हैं रिंग का, मींस जैसा कि जो रिंग बोलते हैं, टाइस बोलते हैं, वो करीब करीब में देना चाहिए। इन फ्यूचर में कल के दिन कुछ अर्थ क्वेक आएगा, कुछ भूकंप आएगा, तो फेलोअर होने के चांसेस कम रहेंगे। मींस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेसिंग दिए गए हैं, यहाँ पे 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर दिया गया है, और सभी जगह पे देख सकते हैं आप 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर दिया गया है। इट्स ओके नॉट प्रॉब्लम। बट जहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग करते हैं, जैसा कि मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग किए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग किए हैं। जहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग करेंगे वहाँ पे ये जो रिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 mm के वो करीब करीब में होना चाहिए, मींस क्लोजली होना चाहिए। वी हैव टू प्रोवाइड दी रिंग्स एंड टाइस क्लोजली एट दी ओवरलैपिंग जोन, मींस यहाँ पे करीब करीब में डालना चाहिए। मैं टेप से बताता हूँ यहाँ पे कितने कितने इस पे यहाँ पे जो रिंग्स हैं यहाँ पे डाले हैं और ऊपर भी क्या क्या इस पे यहाँ पे स्पेसिंग दिया गया। सो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिंग जो है 150 mm, मींस 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर यहाँ पे ओवरलैपिंग की जगह दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंचेस। मैं बताता हूँ, इस वीडियो बने रही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर दिया गया है, और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, ऊपर भी यहाँ पे 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर दिया गया है। बट जैसा कि व्यूवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओवरलैपिंग दिया गया है, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली बोला हूँ, 50D मीन्स 0.8 मीटर, और 50D फॉर 16 mm के लिए 0.8 मीटर, 12 mm के लिए 0.6 मीटर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा हमको 30 इंचेस मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 इंचेस मिल रहा है। जैसे कि प्रीवियस जो कॉलम था वहाँ पे 2-3 इंच का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मगर यहाँ पे आपको पूरा ओवरलैपिंग जो लेंथ है यहाँ पे 2.5 फिट 30 इंचेस और उससे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है। मगर जो मेन जो बिग प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसा कि जॉगल, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको इससे पहले का जो अपार्टमेंट का जो वीडियो था वो उसमें बताया हूँ, जॉगल्स देना चाहिए। जॉगल्स हम देंगे तो जो लोड होगा सेफली ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड जो है यहाँ पे हम एटलीस्ट मिनिमम कॉर्नर पे तो देना चाहिए, जो 16 mm के जो बार्स है, रेनफोर्समेंट है, जैसा कि कॉर्नर्स, यहाँ पे जो बार्स है कॉर्नर्स पे, यहाँ पे जॉगल्स देंगे तो लोड सेफली ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे आप स्टार्टर देख सकते हैं, स्टार्टर का एडवांटेजेस क्या है, जैसा कि यहाँ पे लाइनिंग जो है। सो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे एक एडवांटेजेस ये बताता हूँ, जैसा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स में स्टार्टर नहीं देते हैं, मगर ये प्रोजेक्ट में स्टार्टर यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टर यहाँ पे दिया है, जो इसका हाइट, जैसा कि डेप्थ बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 इंचेस मिल जाएगा। और यहाँ पे 3 टाइप्स के कॉलम्स हैं, मीन्स ये वाला जो कॉलम्स है देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कॉलम्स का साइज़ है 9 इंचेस × 24 इंचेस, और एक जो कॉलम का साइज़ है यहाँ पे देख सकते हैं 9 इंचेस × 15 इंचेस,
और एक आपको कॉलम मिल जाएगा उसका 9 इंचेस इंटू 12 इंचेस, थ्री टाइप्स के यहाँ पे आपको कॉलम मिलेंगे। और एक जो जैसा कि यहाँ पे जो हाइट है इसका नेक्स्ट फ्लोर का 10 फीट 6 इंचेस है। जैसा कि यहाँ पे कॉलम्स आप देख सकते हैं एक लेंथ में यहाँ पे कट किया गया है। अगर इसको बेटर बनाना है इन फ्यूचर में, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होना है कॉलम्स को बोल, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो इन फ्यूचर में अर्थ को एक आएगा तो कॉलम्स का जो स्ट्रेंथ रहेगा बेटर रहेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो रॉड्स ऊपर नीचे किए हैं, तो यहाँ पे एक फिट या फिर दो फिट थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा जो रॉड्स, तो उसके लिए कॉलम्स के लिए इन फ्यूचर में कुछ भूकंप आएगा, जलजला आएगा तो बेटर रहेगा। मेरा बोलने का मतलब जैसा कि जो हम रॉड्स कट करते हैं नेक्स्ट फ्लोर के लिए वो ऊपर नीचे रहना चाहिए, एक ही लेंथ में नहीं रहना चाहिए। और जैसा कि और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, जैसा कि यहाँ पे जो रिंग्स हैं हमारे मिस्त्री जैसा कि यहाँ पे फिक्सिंग कर रहे हैं ये अल्टरनेट वे में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे जो हुक है ये मिनिमम इसका लेंथ 3 इंचेस होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम बेंड करते हैं बेंड से यहाँ पे 3 इंचेस होना चाहिए, और यहाँ पे एक फॉर्म आता है यहाँ पे बेंड आता है मींस नेक्स्ट यहाँ पे आना चाहिए, फिर यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट और एक जगह पे, ये पूरा राउंड घूमना चाहिए, एक ही जगह पे नहीं आना चाहिए, सभी जगह पे घूमते हुए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसा कि यहाँ पे आपको एक मिलेगा तो नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा और एक कॉर्नर पे मिलेगा। इसी तरह से ये पूरा जो हुक्स होता है जो बेंड बोलते हैं ये सभी जगह से घूमते हुए होना चाहिए। जैसा कि मिस्त्री यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट का थोड़ा कुछ ही देर में यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्टील लिए हैं जो ग्रेट है, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो पे, बने रही है पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि आपको मार्केट में बहुत सारे स्टील मिलेंगे, टाटा का मिलेगा अच्छी कंपनी का, सेल का मिलेगा और एक अच्छी कंपनी है उसका नाम है GSW। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं JSW का यहाँ पे स्टील यूज़ कर रहे हैं और जो उसका ग्रेड है दोस्तों 550D। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 550D। जैसा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं 500D यूज़ करते हैं और 500 यूज़ करते हैं, राजौरी का यूज़ करते हैं, ओमश्री का यूज़ करते हैं, श्री ओम का यूज़ करते हैं, यहाँ पे GSW का यूज़ कर रहे हैं। और ग्रेड भी इसका 550D है, मीन्स इसका ग्रेटर क्या है, ग्रेड इसका ज़्यादा है। और जो डी जो स्टैंड डी का जो मतलब होता है इसको डक्टाइल बोलते हैं, ये बेंड होने नहीं देता है रॉड को, जैसा कि 550D। और यहाँ पे जो थ्रेड्स देख सकते हैं जैसे कि GS पे थ्रेड्स भी बेहतर दिया है, यहाँ पे ग्रिप्स बहुत अच्छा दिया है GSW का। यहाँ पे ये एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, स्टील जो है एकदम न्यू है, नया है, और उसका जो थ्रेड्स है बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जैसा कि अदर, जैसा कि हमारा श्रीओम होता है, राजौरी होता है, उससे यहाँ पे बेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है JSW का। तो दोस्तों एज़ सुन एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलेंगे, और मे बी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और अपार्टमेंट, और मैं इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी G+5 के बारे में होगी, एक अपार्टमेंट बन रहा है वो मैलूर में, तो इंशाल्लाह किस तरह से उसके यहाँ पे जो स्टार्टिंग एक्सकावेशन से फुटिंग में जो रॉड्स दे रहे हैं किस तरह से उसके रॉड्स देंगे, बार बेंडिंग देंगे, मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।